पेट्रोल डीजल की तरफ बढ़ रहे हैं। साकिब साहब कुछ लगाए यार। लगाते हैं। ये हमारे डीजे हैं। एज यूजुअल काजी साहब अपने फुल फॉर्म में। साकिब साहब सर घुमाते हुए अच्छा दोस्तों आप देख सकते हैं कि बस कितनी खूबसूरत जगहों से कितने खूबसूरत रोडों से गुज़र रही है। आप ये मंज़र देखें कि एक तरफ पहाड़ हैं दूसरी तरफ ग्रीनरी है और कितना खूबसूरत रोड है। ये सामने पहाड़ आप मुलाहिज़ा करें, इस पर धूप पड़ रही है, इस तरह लग रहा है जिस तरह ये सोने का पहाड़ है। गोल्डन नुमा पहाड़ आपके सामने है, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। यहाँ ऊपर से कोल्ड डेजर्ट का नज़ारा कुछ अलग ही मंजर पेश कर रहा है और अब व्यास साहब अपने करतब का मुजाहरा करते हुए सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट में एंट्री लेते हुए। गेट है वहाँ पहुँच गए। अच्छा दोस्तों कोल्ड डेजर्ट हम पहुँच गए हैं, बहुत ही अमेजिंग माना। चले चले कोल्ड डेजर्ट के लिए उतरे, बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड मोमेंट्स हैं। कई सब दरवाजा खोले, दरवाजा खोले। ये है कोल्ड डेजर्ट। ये
ये देखे जहाज उड़ गया। अच्छा अभी हम जा रहे हैं टिकट विकेट खरीदते हैं। एडवेंचर सफारी इस तरह गोल्डन पहाड़ के ऊपर से पैराग्लाइडिंग करने का क्या ही मज़ा होगा। वक्त कम है, 7 बजे क्लोजिंग करते हैं, तो बदकिस्मती से हम पैराग्लाइडिंग कर नहीं पाएंगे, वरना हमारा तो बड़ा इरादा था, सब दोस्तों का इरादा था कि पैराग्लाइडिंग करनी है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या करें, घोड़ सवारी करें या जीप सफारी करें। जीप भी खड़ी है, तो बदकिस्मती किस्मत में पैराग्लाइडिंग नहीं की, वरना आप देखते मैं पहाड़ों के ऊपर पड़ जाता, पहाड़ों के ऊपर पर मैं गुजरता। सफदर साहब मैं ठीक कह रहा हूँ, पैराग्लाइडिंग का उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं है, वरना ये पहाड़ों पर इंशाल्लाह हम पहाड़ों पर अवेलेबल नहीं है, टाइम कम है, 7 बजे खोलेंगे। ये देखें ये दूसरा पैराग्लाइडर उड़ान उसने भरी है। दोस्तों आपने पैराग्लाइडिंग के करतब देखे कोल्ड लिजर्ड में, हम कर रहे थे बदकिस्मती से टाइम आउट हो गया, वरना बहुत ही ख्वाहिश थी कि हम पैराग्लाइडिंग करते हैं, स्पेशली मुझे बड़ी ख्वाहिश थी। दोस्तों रात के 10 बजे हैं और हम फुटबॉल ग्राउंड के लिए रवाना हो चुके हैं, अभी होगा फुटबॉल का मुकाबला। और ये देखें दोस्त लगे, ये फुटबॉल का मैच जारी है, बंदे लेते बड़ा जबरदस्त मैच है। अच्छा मैच में हमने आइसक्रीम लगाया, आइसक्रीम वो मिल्क शेक लगाया यार, मिल्क शेक यार। अच्छा दोस्तों हम इस होटल में रुके हुए हैं, हमारा स्टे इस होटल में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सहूलियात से आरास्ता होटल है, पिरामिड लॉजेस। तो फुटबॉल का ग्राउंड बिल्कुल इसी के करीब ही पड़ता है। और खुर्शीद साहब हमारे रेफरी हैं, ये खुर्शीद साहब हैं, खुर्शीद साहब हमारे रेफरी हैं। और मौसम बहुत ही खुशगवार है, तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं तेज़ चल रही हैं, तभी होगा मुकाबला।
के उनके गोल पे आ गया और मेरे इम्कान ये है कि गोल हो जाए बल्कि बच गया एमएच जी गोल को देखिए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक अभी काजी साहब बाल लेके जा रहा है और अभी दरमियान में आ गया है और हो सकता है कि आरिफ साहब गौर करें क्योंकि बहुत एक्टिव हैं। दूसरी रात का डिनर का प्रोग्राम है और बहुत ही खसूसी किस्म की डिश तैयार की गई है। सफ़ेद चावल है और इस पर चिकन और आलू अभी मैं लेता हूँ।